नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप और हमारे साथ है श्रेयस तलपति और तनीषा मुखर्जी। और एक बहुत कमाल की फिल्म आ रही है। इस फिल्म के टाइटल के साथ मैं तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म का नाम है लव यू शंकर और बिग एफएम पे जो मैं शो होस्ट करता हूं उसका नाम है लव यू जिंदगी। इससे बड़ा कोइंसिडेंस और क्या सकता है। आपसे शुरुआत करते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग सी ये मूवी है। जैसी फिल्में आ रही हैं उसमें से एक अलग सी लगती हुई फिल्म है, बताएं श्रेयस। नहीं, बिल्कुल, आपने जैसे कहा वो बिल्कुल सही है कि ऑफकोर्स बड़ी बड़ी स्टार कास्ट की बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है और उसमें ये एक जो टेक्निकली चिल्ड्रंस फिल्म, हम भी बड़ी स्टार कास्ट हैं जो बड़ी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्में आ रही है। जी जी, हमारे फिल्म में शंकर है, इससे बड़ा स्टार कास्ट कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली, छोटे अवतार में है लेकिन वो बहुत बड़े स्टार शिव जी है हमारे फिल्म में, तो सबसे बड़े स्टार तो वही है। जी जी, एंड चिल्ड्रंस फिल्म है, बहुत एक जैसे तनिषा ने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल एडवेंचर। जो बच्चे की कहानी है, उसकी जर्नी है, क्या क्या होता है और क्या क्या वो करता है, एंड देन ये छोटे से हमारे जो शिव जी है क्यूट से, वो आके कैसे उसको गाइड करते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसे मस्ती करते हैं उसके साथ में, कैसी दोस्ती हो जाती है। आई थिंक ऑल दीज एलिमेंट्स विच ऑब्वियसली किड्स विल लव, जो हम लोग भी, मतलब चाहे वो छोटा चेतन हो या माय फ्रेंड गणेशा हो, इसे जो देख के बड़े हुए हैं, एंड वी हैव एंजॉयड दोस फिल्म। बिल्कुल, तो इट इज सिमिलरली इन दैट स्पेस वेयर वेकेशन का टाइम है, यू शुड गो विद योर फैमिली किड्स एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस एंड योर ग्रैंडमॉम्स आल्सो। सुबह पूजा करो या आरती करो या श्लोक बोलो या संस्कृति को फलाना ढिमकाना जो भी अलग अलग जी। आई थिंक विजुअल मीडियम से ज्यादा ताकतवर दूसरा मीडियम नहीं है कोई चीज आपको सिखाने के लिए, वो है वहाँ आपका ध्यान रखने के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि बच्चे इसके बारे में जाने और उस डिजिटल दुनिया से इस दुनिया को भी समझे, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो सर वहां पे सिर्फ मेटावर्स नहीं दिखेगा नहीं, और सोचेंगे कि कोई आएगा बचाने शायद। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं पहली बार बनारस गई इस फिल्म की वजह से। ये फिल्म एक्चुअली हमने कोविड में शूट किया था 2020 में, और उस वक्त हम सब लॉकडाउन में थे, सब बंद बंद था, और मुझे एक्चुअली फील ऐसे होता है कि मुझे शिव जी के पास से यू नो मिरेकल मिला। गंगा के तट पे हमारा शूट था, यू नो इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। एंड आई मीन दिस फिल्म, द स्टोरी, द फिल्म को करते वक्त वो डिवाइन एनर्जी हमेशा फील हो रही थी। ऑफ कोर्स, पूरी आई मीन लिटरली मेरी प्रोड्यूसर जो है सुनीता, मेरे साथ काशी विश्वनाथ गई पहली बार जी। हमें क्योंकि कोविड बंद था, राइट, सब लोग जा नहीं रहे थे, तो हमें मौका मिला एक यू नो दूध का अभिषेक करने के लिए, यू नो इट वाज जस्ट बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से, बहुत आराम से, कोई नहीं था, कोई क्यू नहीं था, शायद ऐसे ही बुलाना चाहते हो आपको शायद ऐसे। एग्जैक्टली, और काशी में ये मौका, ऐसा मौका मिलना बहुत अनयूजुअल होता है, तो इट वाज अमेजिंग। एंड ये फिल्म जो है, आई मीन रियस बोल रहा है, या डेफिनेटली इट्स वेरी स्पिरिचुअल, मगर मुझे जो अच्छा लगा इस फिल्म में, जो कहानी मुझे अच्छी लगी, इज दैट इट्स एन एडवेंचर एंड इट इज अ फन फिल्म। और जो जो प्रोटैगनिस्ट है ये फिल्म का, श्रेयस प्रोटैगनिस्ट नहीं है, मैं नहीं हूँ, बच्चा प्रोटैगनिस्ट है, राइट, वो बच्चे के आईज के थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू ये फिल्म जो आगे बढ़ रही है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई किड्स विल रियली रिलेट टू इट। एब्सोल्युटली, एंड जो हमारा डायरेक्टर है, उसने जो इफेक्ट्स एंड डिजिटल एंड जो उन्होंने मिनी यू नो देवी शंकर जी बनाए हैं, वो बहुत क्यूट है, इतने यू नो उनका जो फ्रेंडशिप है जो बच्चे का और शिव जी का, वो बहुत अच्छा है। वंडरफुल वंडरफुल। हिंदी के अलावा श्रेयस, ये फिल्म और भी भाषाओं में आ रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में भी आ रही है, उसमें आपकी आवाज़ है, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं साला तो आपकी आवाज़ थी। हमारे लिए डब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इतनी बजट नहीं थी, उसमें अब तो मेरी आवाज नहीं है जी, बिकॉज वो भी जो थी पुष्पा को तो हिंदी में ही करना था, तो मैंने कर दिया था, बट आई एम ग्लैड कि इट इज रिलीजिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस जी, जी। कहानियां भारत के अलग अलग कोने में उस लैंग्वेज में पहुंचनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, एंड यू नेवर नो कि कौन से लैंग्वेज में कैसे क्या कनेक्ट कोई कर जाए। एब्सोल्युटली, कंतारा का एक एग्जांपल ले लो या पुष्पा का एग्जांपल, जी जी, हमने सोचा नहीं था, जो आई स्टिल रिमेम्बर
जो डबिंग करने से पहले वो प्रोड्यूसर जो यहाँ पे थे तो उनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि सर ज़्यादा पैसे नहीं है, बिकॉज पता नहीं पिक्चर रिलीज हम लोग कर रहे हैं लेकिन कैसे चलेगी, क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कितना कमाई होगी, ऑफ कोर्स यू नो एवरी फिल्म जो साथ ये होती है हां सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि देयर इज एन ऑडियंस टुडे ट्रू सो आप रिलीज करो उस लैंग्वेज में एंड देखो जलवा क्या होता है. वंडरफुल. निजी ज़िंदगी की अगर बात करें तो एक ऐसा लम्हा अभी हाल ही में आप ही ने भी महसूस किया जहां पर उस डिवाइन के साथ होने का एहसास होता है, क्योंकि ये फिल्म भी शंकर की बात करती है और किस तरह से वो हमेशा हमारे साथ है इसकी बात करती है. आपको उस वक्त ऐसा लगा वो डिवाइन कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि आपके केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था पहली फिल्म के वक्त. आपसे भी मैं वो सवाल पूछना चाहूँगा और आपसे भी पूछना चाहूँगा. यू नो डिवाइन कनेक्शन, अभी जैसे एक वो कहानी है सुनी आपने, जैसे एक गांव में बाढ़ आती है जी और एक बंदा कहता है कि मेरा भगवान मुझे बचाएगा यू नो. हाँ. फिर एक नाव वाला आता है वो कहता है चल भाई बाढ़ आई है तू चल, तो नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा. पर वो दूसरा आता है नाव वाला. हाँ. वो भगवान बचाएगा. हाँ. तीसरा आता है फिर वो इंसान बेचारा बच नहीं पाता, गुजर जाता है ऊपर जाके भगवान से, तुम आए नहीं इतना आए जो आई थी, मैं मेरी गाड़ी गिर गई थी खाड़ी में, ब्लैक आइस पे स्किड हुई थी और मैं सिर्फ मैं डीनो मौर्या थे हमारे साथ, डीनो वाज विद अस मका एंड बहुत सारे एक्टर्स गौरव जी थे भी एंड डायरेक्टर गाड़ी चला रहे थे और वो सब गाड़ी में थे, मैं सिर्फ पूरे खाड़ी में गिर गई थी, मैं गाड़ी के बाहर निकल के निकल रही थी और वो हेयरड्रेसर आई थी, हग के नीचे आई थी मुझे उठाने. राइट. उसने देखा एक्सीडेंट, उनकी गाड़ी पीछे थी तो वो सबसे पहले निकली और वो भाग के उसने मुझे, वो मुझे ढूंढ के निकाल सकता है. वो किसी न किसी के जरिए आ ही जाता है जैसा श्रेयस भी बता रहे हैं. एब्सोल्युटली. मतलब इट इज क्वाइट एविडेंट दैट देयर इज दिस डिवाइन एनर्जी. ट्रू. व्हिच सेव्ड मी. वी फेल टू रिकॉग्नाइज बट यू नो हम शायद आसपास नहीं देख पाते बट है 100%. मतलब ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तब आपको और भी एक मतलब छोटा सा भी डाउट है तो क्लियर हो जाता है. एब्सोल्युटली. मेरा सवाल इसीलिए था कि जिंदगी में ऐसा नो डाउट अबाउट इट दैट यू नो देयर इज सम पावर. Our film is being guided. Yeah, my picture भी ऐसे ही गाइड हो रही है. अच्छा, बहुत उतार चढ़ाव देखने के बावजूद ऐसा. मतलब हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. हाँ. तो आज अगर हम यहाँ बैठ के हम रिलीज की बातें कर रहे हैं, ये बहुत आज के टाइम में एक फिल्म थिएटर में रिलीज होना बहुत बिग थिंग. यस. न्यू प्रोड्यूसर्स जो है. ट्रेलर बड़ा अमेजिंग लग रहा है, बिल्कुल ग्रैंड और जिस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रही हैं, एकदम ऐसा लग रहा है वाह मजा आ गया. हां नहीं है मतलब यू नो इट्स अ लाइक यू सेड इट्स अ चिल्ड्रंस फिल्म बट द स्टोरी इज वेरी मसाला. जी जी. दैट्स द होल पॉइंट आई वांट टू मेक हियर. और वो कहानी से आप कनेक्ट करेंगे. राइट. एंड कहानी जो बेस है उसका वो बहुत रिलेटेबल कहानी है. जी. तो वो और मसाला कहानी. जी. जो म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. आपने अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि वो नाव में आए तो थे लेकिन कहा कि आएंगे वो तो वोट करने तो जाना ही पड़ेगा सबको, वरना कौन बचाने आएगा. चलिए मैं आखिरी में, क्योंकि आपने बात करते वक्त इस फिल्म की बात करते वक्त लव यू शंकर की बात करते वक्त कुछ पुरानी फिल्मों के भी नाम लिए और बहुत नॉस्टैल्जिया वाला मोमेंट भी आ गया, तो मैं थोड़ा सा एक बस 2 मिनट का फिल्मी क्विज आपके साथ खेल लेता हूँ. ये करके आंसर अमर अकबर एंथनी जब मैं
फिल्म का नाम लेता हूँ तो कौन सा सीन आपको याद आता है या कौन सा फेवरेट वो सीन है जो आपको? My name is Anthony Gonzalez. वाह, ये तो गाना हो गया, ये तो गाना हो गया. सही है, भविष्य देखते हैं. श्रीरज जी ने बता दिया. नहीं नहीं, हमने बचपन से उसका जो सीन था वो मिरर वाला. ओह, बोला पीयूइंग. हाँ, वो बहुत सॉलिड सीन. कितना बोला तुझे नहीं जाने का. तू सारा सुनता नहीं. शेक शेक डोंट नो. एक और फिल्म की बात और फिर मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा. दीवार की कोई बात याद आती है आपको? दीवार. माँ, पूरा डायलॉग शायद बताइए. क्या बात है, क्या बात है. तो हम इन्हीं फिल्मों को सेलिब्रेट करने वाले हैं बिग एफएम पर और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा था. और हम सेलिब्रेट करेंगे लव यू शंकर को भी क्योंकि बहुत कमाल की ये फिल्म है. आप दोनों को मैं बहुत बिल्कुल प्ले करेंगे हम और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप दोनों को देता हूँ. ओम नमः शिवाय.